हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो यहाँ हम बात करेंगे DSSSB शिक्षक भर्ती 2023 की, जहाँ पर नए रूल आ गए हैं। न्यू वैकेंसी के 24,939 वैकेंसी केवल 4 सब्जेक्ट की, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और प्राकृतिक विज्ञान। वेतन जो है यहाँ पर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जो है वो मिलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर उम्र, योग्यता क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो 10 पेजों की जो है ये पीडीएफ फाइल है। यहाँ पर जो है वो आपकी सीधी भर्ती होगी, किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT पद नाम है इसका। अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान की पोस्ट हैं। पदों की संख्या 24,939 है। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर करेगा। अगर इनको ऐसा लगेगा कि वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो ये संख्या जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। वेतन जो है वो मैंने थंबनेल में शो कर दिया था, जो थंबनेल में लिखा होता है वही आपको यहाँ पर मिलेगा नोटिफिकेशन में। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए जो है यहाँ वेतन मिलेगा। योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यताओं में जो है वो नियमों में जो है वो बदलाव हुए हैं। बदलाव जो है वो क्या है, तो आप जो है वो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर वन नंबर ध्यान से पढ़ा करिए हर चीज को। दिल्ली गजट में ये चीज प्रकाशित तो हुई है और इसी नियमों के आधार पर जो है वो आपकी नोटिफिकेशन आएगा। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्षों का जो है वो अध्ययन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ये 4 सब्जेक्ट बताए हैं, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान, तो इनको आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल जो है वो आपने पढ़ा हो 50% अंकों के साथ में, ठीक है। 50% अंक जो है वो आपने गेन किए हों। यदि आपने MA या BA या MA में न्यूनतम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में अगर आपने PG किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यानी ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष पढ़ा होना चाहिए उस सब्जेक्ट को, और अगर नहीं किया है किसी ने जो है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपने PG कोर्स किया हुआ है और 2 सालों तक आपने पढ़ा है, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। किसी NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में कम से कम 3 वर्ष का जो है वो अध्ययन होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जिसने NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हुआ है तो उसको उस सब्जेक्ट में 3 वर्ष का जो है यहाँ पर पढ़ा हुआ होना चाहिए, और साथ में जो है वो BLED या BSc BED या BA BED का 4 वर्षीय जो एकीकृत कार्यक्रम होता है वह आप के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझिए, आपने या तो BA के अंदर जो है 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो और साथ में जो है वो आपने कर रखी हो BED, ठीक है, या आपने MA में जो है 2 साल पढ़ा हो उस सब्जेक्ट को और साथ में मांगा गया है BED, ठीक है, या किसी बच्चे ने NCTE मान्यता प्राप्त जो संस्थान होती हैं वहाँ पर जो है BA BED जो इंटीग्रेटेड होता है प्रोग्राम ये कर रखा हो, या उसने जो है वो BSc BED कर रखा हो, ठीक है, तो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, दूसरी कंडीशन की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BED या 3 वर्षीय एकीकृत BED MED अगर कर रखा है 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर ये भी कह दिया गया है कि अगर उस सब्जेक्ट में उन्होंने जो है BED MED, ठीक है, ये भी कर रखा है 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, तो अलग से BED या MED की आवश्यकता नहीं है। तो इन 4 सब्जेक्टों में अप्लाई करने के लिए ये जो है वो 4ों कंडीशन जो है यहाँ होनी चाहिए, और इन सभी में जो है CTET जो है वो पास होना अनिवार्य है। CTET पेपर टू जो है यहाँ पर मांगा गया है, क्योंकि TGT के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जिसके TGT प्राकृतिक विज्ञान या शारीरिक विज्ञान है तो उसने कम से कम जो है वो 1 विषय का जो है अध्ययन यहाँ पर उसने किया हो। कौन कौन से विषय, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक कोशिक जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान और भू विज्ञान, इनमें से जो है उसने 1 विषय का अध्ययन जो है वो ग्रेजुएशन में किया होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार हैं।
कम से कम एक विषय का जो है वो अध्ययन उन्होंने यहाँ पर किया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में एक विषय का अध्ययन। पहले कंडीशन ये थी कि दो सब्जेक्ट जो है वो पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन अब जो है वो एक ही मांगा गया है। आपने अगर ग्रेजुएशन में इतिहास रहा है, आपकी पॉलिटी रही है, ज्योग्राफी रही है, इकोनॉमिक्स रही है, सोशोलॉजी रही है, आपके व्यवसायिक अध्ययन रहा है या सांख्यिकी रही है, इनमें से कोई भी रही है, तो अब जो है वो काफी बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है और इस वजह से बच्चे अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट जो है वो मांगा गया है ग्रेजुएशन में। टीजीटी मैथ के लिए तो जो है आपने ग्रेजुएशन में मैथ जो है वो पढ़ी होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि 30 वर्ष से अधिक नहीं, तो दिल्ली गजट में ये चीज़ प्रकाशित तो हो चुकी है 30 वर्ष से अधिक नहीं, लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश आते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 5 वर्षों तक जो है वो ढील जो है यहाँ पर हो सकती है। और आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि जो है वो DSSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति होगी। तो आयु सीमा का जो निर्धारण है ये DSSSB द्वारा जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन होगा कितना जो है वो आरक्षण मिल रहा है आरक्षित वर्ग को। ये दिल्ली राजपत्र दिल्ली गजट में जो है वो बिल्कुल प्रकाशित तो हो गया है और आप देख सकते हो यहाँ पर डेट जो है वो 6/7/2023 की है, जहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल जो है वो पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT चार सब्जेक्ट जो है ये इंग्लिश मैथ सोशल साइंस फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस, इनके लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल ये जो है 10 पेजेस का PDF आई है।